दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ DSSB की तरफ से नोटिस आया उसके बारे में पूरी डिटेल। तो पूरी वीडियो देखते रहे। देखो, नोटिस आए कल 3/1/2020 को कि क्या है। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग फॉर PET फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 18/19। यहाँ पे क्या है, नोटिस है। नोटिस में इनने बता रखा है कि आपकी जो फिजिकल है वो 11/1/2020 से लेके 3/2/2020 तक आपके फायर ऑपरेटर के फिजिकल चलेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है क्या क्या होगा जब आप जाओगे। देखो, सबसे पहले आप जाओगे, आपको वहाँ पे क्या होगा, अटेंडेंस वगैरह लगेगी। अटेंडेंस के बाद जब आप अटेंडेंस लग जाएगी, आपको BIB नंबर मिल जाएगा। ठीक है, BIB नंबर मिलने के बाद आपकी 800 मीटर की रेस होगी, जो कि हमारे क्या नाम है 200 सेकंड में आपको पूरी करनी। ठीक है, जो जो यहाँ पे रेस पूरी कर लेगा 200 सेकंड में, उसके बाद यहाँ पे होगी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के आपको यहाँ पे 3 स्टेप मिलेंगे। देखो, यहाँ पे दे रखा है 3 स्टेप, कम से कम मतलब 2.80 मीटर यहाँ पे आपको, यानी कि 2.8 मीटर आपको करनी है लॉन्ग जंप। 3 चांस मिलेंगे इसके, जो ये पास करेगा उसके बाद वो जाएगा सीधा हमारा हाई जंप में। हाई जंप में उसे केवल एक ही मतलब एक ही वो मिलेगा, 0.8 मिनिमम है। कम से कम आपको इतना कूदना ही कूदना है। इसके हिसाब से फिर आपको पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट का मैं आपको नीचे प्रोसेस समझाता हूँ। देखो, 0.80 मीटर अगर आप कूदते हो, ठीक है, कूदने के बाद देखो तो आपको मिनिमम मिलेंगे, यानी कि 0.1 मिलेगा। ठीक है, दिखाता हूँ अभी। ठीक है, जो इसमें फेल हो गया वो फिर मतलब फेल ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। देखो, ये आ गया हमारा पॉइंट का स्कोर। देखो, हाई जंप का आइए, यहाँ पे आपका हाई जंप का मिनिमम आपको क्या नाम है 0.80, ये खाली क्वालिफाई करने के लिए। देखो, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, अगर आप 0.80 या फिर उससे ऊपर जाते हो तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। अगर आप जाते हो 0.90 या फिर उससे ऊपर तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसे करके इन्होंने जो 10 के 10 नंबर दिए हैं, 1.70 मीटर या फिर उससे ऊपर पर आपको 10 नंबर मिल जाएंगे पूरे पॉइंट। बस इन्होंने यहाँ पे बेसिक से डिटेल बता रखी है, पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे कैसे जाना है, कितने मतलब आपको किस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इसका खाली आपको एक ही चांस मिलेगा हाई जंप का। ठीक है, तो उसी में जो भी आप मानो, अगर आपने अपने 1.20 मीटर कूदे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर आप क्या होगा, सर मैं एक ऊपर मार सकता हूँ प्लीज़, तो वो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर एक ही चांस मिलेगा आपको इसका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।